Hello students, and welcome back to another session of my online biology classes called Biology Simplified. Okay, my name is Dr. Shamla Shah and my contact details are here. Aapko dikh rahe. Those of you who have been watching my videos, aapko pata hai, I am currently teaching you 11th standard ka textbook ka jo second topic hai, which is called Systematics of Living Organisms. Correct hai? So, hum logo ne abhi tak jo dekha hai in this chapter, we have gone through all the various different kinds of classification processes, correct? Aur humne units of classification last time shuru kiya tha, to usi ko continue karenge. I hope you remember, hum hierarchical system ka ye jo table hai, isko cover kar rahe hain dheere dheere. So we have seen that many individuals make up one species. Species ke andar ke jo individuals hain, ye aapas mein interbreeding and mating kar sakte hain. Bahut sare species ka ek genera banta hai. रिलेटेड स्पीशीज है आपस में, लेकिन ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करते हैं दो स्पीशीज. बहुत सारे रिलेटेड जेनेरा जो हैं, इनको हम एक फैमिली में डालते हैं. सो एज आई वॉज टेलिंग यू लास्ट टाइम, ये सब रिलेशंस में हैं, लेकिन स्पीशीज के इंडिविजुअल्स आपस में ज्यादा सिमिलर हैं जीनस के कंपेरिजन में, और जीनस के इंडिविजुअल्स फैमिली के कंपेरिजन में ज्यादा सिमिलर है. ये आपको समझना है, करेक्ट है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट और ऊपर वाले जो कैटेगरी में, विच इज कॉल्ड कहोट और ऑर्डर. ओके, अभी हम ज्यादातर ऑर्डर शब्द का इस्तेमाल करते हैं. कहोट जो है, इट्स अ ओल्डर टर्म, बट यू विल स्टिल फाइंड इन मेनी बुक्स दे यूज दिस टर्म कॉल्ड कहोट, करेक्ट? सो ये भी एक टैक्सोनॉमिक रैंक है, करेक्ट है? एंड इट इज रिकग्नाइज्ड बाय द नोमेनक्लेचर कोड्स. अभी हम बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज को अगर एक साथ में ग्रुप कर लेते हैं तो हमारा तैयार हो जाता है एक ऑर्डर, करेक्ट है? सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द हायरार्किकल सिस्टम. आप एक एक स्टेप ऊपर जंप करते जा रहे हैं. जैसे आप ऊपर ऊपर जंप कर रहे हैं, आपका कैटेगरी का साइज बड़ा होते जा रहा है ना? सो मेनी डिफरेंट फैमिलीज इन वन ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर में कितने स्पीशीज हो गए? बहुत सारे हो गए, करेक्ट है? सो ऑर्डर जो है, इट्स अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज, और ये जो ग्रुप है इसमें कुछ एफिनिटीज होती है. एफिनिटी मतलब सिमिलैरिटीज या लाइकिंग्स, करेक्ट? सो आप रैंडमली किसी को भी कहीं पे भी नहीं ग्रुप कर रहे हैं, नहीं, दैट इज नॉट व्हाट यू मीन. एक ऑर्डर में अगर बहुत फैमिलीज हैं तो वो फैमिलीज आपस में तो रिलेशनशिप दिखा ही रहे हैं, है ना? वो तो अंडरस्टूड है. सो इट्स नॉट रैंडम, बट एट द सेम टाइम यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स एंड यू आर पुटिंग देम इनटू हायर एंड हायर एंड हायर कैटेगरीज, करेक्ट है? अब मेंबर्स जो एक ही ऑर्डर से बिलोंग करते हैं लेकिन वो डिफरेंट फैमिलीज में हैं, करेक्ट है? वो लोग में सिमिलैरिटी ज्यादा होती है और डिफरेंस कम होता है. अभी इसको देख लेते हैं. जैसे ऑर्डर जो है, करेक्ट है, देयर इज एन ऑर्डर व्हिच इज कॉल्ड पैराइटेल्स. सो पैराइटेल्स में बहुत, ये प्लांट्स का ऑर्डर है, करेक्ट, और इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के फैमिलीज ऑफ प्लांट्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्रासिकेशिये, पापाविरेशिये, ओके, कैपरिडेसिये, करेक्ट? अभी ये सारे जो हैं, ये एक्चुअली दिखने में काफी डिफरेंट लगते हैं, बट दे आर वेरी हाईली रिलेटेड फैमिलीज एंड दैट इज वाई हम उनको एक ही ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हैं, करेक्ट है? फैमिलीज ऑफ डॉग्स एंड कैट्स अलग हैं, ये हम पहले देख चुके हैं ना. वी सॉ दिस इज इन द फैमिलीज ओवर हियर, इफ यू रिमेम्बर. हमने यहाँ पे फेलिडे एंड कैनिडे देखा था. तो कैट फैमिली जो है वो फेलिडे, डॉग फैमिली जो है वो कैनिडे, दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन जब ही हम लोग ऑर्डर में इनको ग्रुप करते हैं तो ये एक ही ऑर्डर में आ जाते हैं, विच इज नथिंग बट कार्निवोरा, करेक्ट है? डज दिस मेक सेंस टू यू? सो वी आर जंपिंग अपवर्ड्स टूवर्ड्स द अल्टीमेट, द लार्जेस्ट कैटेगरी विच इज द किंगडम, एंड ईच ऑफ दीज लोअर कैटेगरीज successively starts becoming bigger and bigger, जैसे आप category की तरफ बढ़ते हैं. तो species से बड़ा genus, genus से family बड़ा, family से order बड़ा, okay, and so on, right? So it is very simple to understand. As I said, people, जब भी आप question answer format attempt करने के लिए exam लिख रहे हैं, तो please be careful and try and remember these examples that are given. So आपका answer जो है वो थोड़ा सा और strong हो जाता है. And you will be able to get good amount of marks also, correct? So, जैसे ये examples दिए ना, ना पेपावेरेसिये, ब्रासिकेसिये, etc. If you remember that, then you can give a good answer, correct? Fine. अब चले जाते हैं order से थोड़ा ऊपर. So they have skipped the series and the subclass,
and we go to the main category, which is class. Correct here? We go to the main category, which is class. So, class category jo hai, right? The class is a distinct taxonomic rank, again, which has got its own name. So, ये ऐसा ग्रुप है जो ऑर्डर से भी ऊपर आता है. इनफैक्ट ऑर्डर के बीच में सीरीज सब क्लास होने के बाद आपको क्लास आता है. क्लास जो है ऑब्वियसली अभी आप समझ गए हैं कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी क्लोजली अलाइड ऑर्डर्स. करेक्ट है, बहुत सारे ऑर्डर्स को मिला के एक क्लास बनता है. तो ऑर्डर्स में क्या क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल, राइट, ऑर्डर कार्निवोरा जो भी हमने देखा ना, एनिमल्स, डॉग्स एंड कैट्स का, एंड ऑर्डर प्राइमेट्स. करेक्ट है, प्राइमेट्स मतलब इसमें आते हैं मंकीज, गोरिलाज वगैरह. तो ये दोनों अलग अलग ऑर्डर में हैं, लेकिन इनका क्लास एक ही है, विच इज मैमल्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस लॉजिक? यस. सो यू नो दैट मैमल्स जो है, दे आर जनरली दोज एनिमल्स जिनके फीमेल स्पीशीज में मैमरी ग्लैंड होते हैं, विच रिलीज मिल्क फॉर द यंग वन, है ना, और उसमें प्लासेंटा बनता है. तो अभी आप देख सकते हैं कि डॉग्स एंड कैट्स दे ऑल्सो कम अंडर मैमेलिया, और जो मंकीज एंड गोरिलाज है दे ऑल्सो कम अंडर मैमेलिया, है ना. सो एक दो जो ऑर्डर्स है वो सेम क्लास में आ जाते हैं. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सो मेनी डिफरेंट एनिमल्स एट वन टाइम. करेक्ट है, राइट, ओके. फिर आते हैं डिविजन या फाइलम पे. दिस शुड बी एल यू एम हियर. फाइलम या डिविजन, हाँ, जब हम बहुत सारे रिलेटेड क्लासेस को एक साथ में डाल देते हैं, राइट, तो वी एंड अप गेटिंग अ डिविजन और अ फाइलम. करेक्ट है, सो दिस इज लाइक अ कलेक्शन ऑफ मेनी ऑफ द क्लासेस. सो यू अंडरस्टैंड, राइट, मेनी स्पीशीज वन जीनस, मेनी जेनेरा वन फैमिली, बहुत सारे फैमिलीज का एक ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर्स का एक सीरीज, बहुत सारे सीरीज का एक सब क्लास, बहुत सब क्लासेस का एक क्लास, बहुत सारे रिलेटेड क्लासेस को जब हम एक साथ में डालते हैं तो हमें या तो डिविजन मिलता है या तो फाइलम. प्लीज नोट कि डिविजन वर्ड हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं जब हम उनको क्लासिफाई करते हैं. वही लेवल पे अगर आप एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हैं उसी टैक्सोन में, तो आप फाइलम बोलते हैं. सो एनिमल्स का फाइलम होता है कॉर्डेटा, और प्लांट का डिविजन होता है एंजियोस्पर्म में. करेक्ट है, सो बी केयरफुल, डोंट यूज क्रॉस कनेक्ट मत कीजिएगा. करेक्ट, सो जो रिलेटेड क्लासेस हैं, एंजियोस्पर्मे के अंदर दो क्लासेस हैं, द डाइकॉट्स एंड द मोनोकॉट्स. करेक्ट है, तो दिस यू नो कि प्लांट्स के सीड को अगर हम एम्ब्रियो को क्लोजली स्टडी करें तो अगर वो डिवाइड होता है इनटू टू पार्ट्स तो उसको हम बोलते हैं डाइकोटिलेडोने, डाई मतलब दो, एंड अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं मोनोकोटिलेडोने, मोनो मतलब एक या सिंगल. करेक्ट, सो एनिमल क्लासिफिकेशन में डिविजन जो है वो फाइलम का सब कैटेगरी या कैटेगरी होता है. करेक्ट है, सो इफ यू सी हियर इट बिकम्स वेरी इजी, वी हैव कवर्ड टिल डिविजन और फाइलम. करेक्ट है, फिर आता है सब किंगडम. अलग अलग डिविजन्स जो है जिनमें सेम सिमिलैरिटीज हैं वो सब किंगडम बनाते हैं. तो डिविजन एंजियोस्पर्म में एंड जिम्नोस्पर्म में एक ही सब डिविजन में आते हैं, विच इज कॉल्ड द फेनेरोगैम और द स्पर्मेटोफाइटा. करेक्ट है, सो यहाँ पे सब डिविजन आपको नहीं दिखाया गया है डायग्राम में, वो किंगडम और डिविजन के बाद का जो है वहां पर आता है. करेक्ट है, सो इट कम्स ओवर देयर जस्ट आफ्टर द किंगडम इट कम्स. सो सब डिविजन जो है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी डिविजन, राइट. एंड फाइनली आप सबसे हाइएस्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं, विच इज कॉल्ड द किंगडम. तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सब किंगडम्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑल द फैनेरोगैम्स, ऑल द क्रिप्टोगैम्स. करेक्ट है, ये जितने भी हैं सब एक ही किंगडम बनाते हैं, विच वी कॉल द किंगडम प्लांटे. सो किंगडम मतलब क्या, इट इज दैट कलेक्शन ऑफ ऑल द प्लांट्स. एवरी सिंगल प्लांट ऑन द अर्थ विल कम इन टू द सेम किंगडम, विच इज कॉल्ड किंगडम प्लांटे. तो वो सबसे बड़ा, सबसे ह्यूजेस्ट कैटेगरी हो गया. सेम वे किंगडम एनिमेलिया सबसे ह्यूजेस्ट कैटेगरी ऑफ एनिमल्स हो गया. करेक्ट है, सो दैट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. यस, सो हियर यू फिनिश विथ योर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज.
जैसे जैसे हमारा सिस्टम और ज्यादा रिफाइन होता चला जाता है, वैसे ही साइंटिस्ट बहुत सारे सब कैटेगरीज को ऐड करते हैं. ओके, सो दैट समटाइम्स इट इज नॉट इनफ टू जस्ट हैव टू कैटेगरीज, यू नीड इन बिटवीन छोटे छोटे कैटेगरीज की जरूरत पड़ती है, सो दैट यू गेट अ बेटर पिक्चर, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क दैट यू आर डूइंग. सो जैसे जैसे आप चले जाते हैं, वैसे वैसे सब कैटेगरीज कभी कभी इंक्रीज भी हो जाते हैं. एक चीज अंडरस्टैंड करने की बात क्या है कि जब भी आप ये टैक्सोनॉमिक लैडर चढ़ रहे हैं, मैंने बोला ना सीढ़ियों के जैसा है, तो जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और आप ऊपर के स्टेप पे पहुंचते जा रहे हैं, जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो कम होता जाएगा. मींस व्हाट? अगेन वी विल जस्ट लुक एट दिस टेबल. अगेन मैंने आपको बोला था कि एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स जो हैं वो लगभग सब सिमिलर दिखते हैं, आपस में मेटिंग भी करते हैं, तो सबसे ज्यादा सिमिलरिटी जो है आपको स्पीशीज लेवल पे दिखेगी. जीनस में दो स्पीशीज के बीच में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी रहेगी, दो जेनेरा के बीच में थोड़ा कम सिमिलरिटी रहेगा इन अ फैमिली, करेक्ट है? तो जैसे जैसे आप ये सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नाउ इन द किंगडम प्लांटे यू हैव रोज प्लांट ऑल्सो, है ना, यू हैव द बैनियन ट्री ऑल्सो, यू हैव द कस्क्यूटा ऑल्सो, यू हैव द मैंगो ट्री ऑल्सो. अब ये है तो सारे प्लांट्स, लेकिन सिमिलैरिटी किंगडम में ज्यादा दिखेगा आपको या स्पीशीज में ज्यादा दिखेगा? ऑब्वियसली स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स है उसमें आपको ज्यादा सिमिलैरिटी दिखेगी, करेक्ट है? तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज जैसे जैसे यू गो अप द टैक्सोनॉमिक लैडर, आपके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कम होते चले जाएंगे. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? तो अगर आप दो ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली डिवीजन या फाइलम लेवल पे लेके कंपेयर करेंगे तो उनका क्लासिफिकेशन काफी डिफिकल्ट हो जाएगा. इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको नीचे के लेवल से शुरू करते हुए सक्सेसिवली स्लॉट्स को भरते जाना है, डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टर्स दैट आर सिमिलर और नॉट, करेक्ट है? इज दिस मेकिंग सेंस हियर? आई एम श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक. और यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमिक जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो सेक्शन इधर खत्म होता है. फिर हम आते हैं नेक्स्ट एंड अनदर इम्पॉर्टेंट सिस्टम पे, जिसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर, करेक्ट है? नोमेनक्लेचर मतलब आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा ना, नोमेनक्लेचर मींस व्हाट? इट मींस हाउ टू नेम समथिंग, किसी चीज को नाम देना, राइट? तो जितना इम्पोर्टेंट चीजों को स्टडी करके आइडेंटिफाई करके उनको क्लासिफाई करना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट उनको नाम देना भी हो जाता है ना, उनको डिस्क्राइब करना भी हो जाता है. सो ये जो प्रोसेस है दैट हम किसी चीज को एक साइंटिफिक तरीके से नेमिंग करें, वो प्रोसेस को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर, है ना? सो दैट व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग, हम जापान में हो या इंडिया में हो या अमेरिका में हो, अगर हम एक कॉमन नेमिंग सिस्टम कर देते हैं तो वी ऑल नो कि हम एक ही प्लांट या एक ही एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं. नहीं तो क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा. मैं एक लैंग्वेज में एक नाम बोलूंगी, वो किसी लैंग्वेज में कुछ और बोलेंगे. सो ऐसे साइंटिफिक थिंकिंग और स्टडी जो है वो इम्पीड होता है, कम हो जाता है ना? सो वी हैव टू हैव अ कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग, राइट? तो अभी ये नेमिंग सिस्टम देख लेते हैं, राइट? कैसे कैसे हम चीजों को नेम करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए. तो सबसे पहला जो लेवल का नेमिंग होता है ना, वो होता है लोकल नेमिंग, कॉमन नेम, जो हम लोकल एरिया में, लोकल भाषा में या लोकल कल्चर में हम बड़ी आसानी से उसको पिकअप कर सकते हैं, करेक्ट है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंगो है तो हम उसको आम, अम्बा, ओके, ऐसे सब चीजें बोलते हैं इंडिया में. सो दिस टाइप ऑफ नेमिंग इज नोन एज वर्नैक्युलर और लोकल नेमिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल पैंजी इज अ टाइप ऑफ फ्लावर, ये नेम जो है ये अमेरिकन नेम है, करेक्ट है? अभी इसके कम से कम 50 अलग अलग कॉमन नेम्स हैं, राइट? इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है वायोला ट्राइकलर एल, ठीक है? अब इंडिया में जहाँ पे इतने सारे भाषाएं बोली जाती हैं, राइट, इन एवरी स्टेट आपको एक ही प्लांट के कम से कम 10-15 अलग अलग नाम एक ही स्टेट में मिल जाएंगे, करेक्ट है? जैसे आयुर्वेदा में जो मैंगो प्लांट है, जिसका साइंटिफिक नेम, वेस्टर्न साइंटिफिक नेम जो है वो मैंगिफेरा इंडिका है, बट इन इन संस्कृत वी हैव 50 डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम थिंग, करेक्ट है? सो
कॉमन नेम्स जो हैं वो अच्छे हैं लोकल एरियाज में या लोकल टेक्स्ट में यूज करने के लिए, लेकिन अगर आप इसको यूनिवर्सल बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला अमेरिका में भी जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, ब्रिटेन में जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, इंडिया में जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, अगर आपको एक कॉमन नेमिंग देना है तो देन यू कैनॉट यूज दिस टाइप ऑफ लोकल लैंग्वेज. फिर हमको डिसाइड करना पड़ता है क्योंकि हम एक साइंटिफिक नेम को किस तरीके से डिजाइन करेंगे, कैसे बताएंगे उसको, करेक्ट है. सेकेंड जो सिस्टम होता है दिस इज द साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम, करेक्ट. सो कॉमन नेम्स में आने वाले सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए साइंटिस्ट थॉट क्योंकि लेट्स डू वन थिंग, हम सिस्टमैटिक और नॉर्मल नेमिंग करते हैं, विल यूज साइंटिफिक लैंग्वेज. ओके, सो वॉट वॉज द फर्स्ट सिस्टम? देर वॉज एन इनिशियल सिस्टम विच इज कॉल्ड द पॉलीनोमियल सिस्टम. अब था तो ये लैटिन में ही साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम था, बट पॉलीनोमियल का मतलब होता है मेनी नेम्स. तो एक ही प्लांट का जब नाम बहुत लंबा हो जाए, भले ही वो साइंटिफिक है लेकिन जब बहुत लंबा है, 6, 7, 8 वर्ड्स हैं, तो फिर एवरी टाइम उस नाम को लिखना, फिर उसको अंडरस्टैंड करना, फिर उसको पब्लिश करना थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है ना, डिफिकल्ट हो जाता है, करेक्ट है. सो अल्टीमेटली वी केम टू कार्ल लिनेयर्स सिस्टम, एंड इन्होंने क्या बोला था कि हम भाई दो ही नाम रखेंगे हर ऑर्गेनिज्म का. ओके, तो जैसे नाम और सरनेम होता है ना हमारा, वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स का आप समझ लीजिए, इट इज लाइक अ नेम एंड अ सरनेम, दो नेम्स, देयरफॉर इट इज नोन एज द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. क्या बोलते हैं इसको? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, करेक्ट है. तो ये जो सिस्टम है इन्होंने अपनी बुक में इंट्रोड्यूस किया था, विच वॉज कॉल्ड द स्पीशीज प्लांटारम, 1750 में पब्लिश किया गया, 53 में, करेक्ट है. और अभी के टाइम पे हम यही सिस्टम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इसको यूज करते हैं, राइट. अभी यू हैव एन इंस्टीट्यूट विच इज कॉल्ड द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, राइट. और ये जो नोमेनक्लेचर कोड है इसको यूटिलाइज किया जाता है जब भी कोई नया स्पीशीज को डिस्कवर किया जाता है, व्हेन यू वांट टू नेम इट, the ICBN is used to see that कि आपका नेमिंग सिस्टम जो है वो परफेक्ट हो, करेक्ट है. ऑलराइट, लुकिंग एट दिस फर्दर, राइट, 2011 के पहले जो कोड सेटअप की थी ICBN द्वारा, राइट, दैट वॉज कॉल्ड द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. लेटर ऑन जब अभी हाल ही में 2017 में इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस का मीटिंग जो हुआ था, That happened in Shenzhen, China, correct है. तो वहाँ पे जो codes हमने again study किए, मतलब देखिए ये जितने भी systems है ना, इनको बार बार modify किया जाता है, right? So every time नया knowledge आता है, उसको नया modification होता है. तो जो latest modification था nomenclature में, वो Shenzhen, China में हुआ in the year 2017, and that's why it is now called the Shenzhen code, correct है. तो जो पुराना code है, जिसको हम ICBN पहले बोला करते थे, Now that has become the ICNAFP, which is nothing but International Code for the Nomenclature of Algae, Fungi and Plants. Correct है? ये सबसे recent वाला system है, 2018 में publish किया गया system. And now you are using this system for naming of the new organisms. Correct है? ये system में sunflower को अगर मुझे common naming देना है, sorry, scientific naming देना है, तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, आई कॉल इट हेलियंथस एन्यूस, करेक्ट. इसमें हेलियंथस जो है दैट इज इंडिकेटिंग द जीनस नेम. अभी हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की किया ना, अभी याद है आपको क्या था टैक्सोनॉमिक हायरार्की? तो उसमें यू हैव जीनस एंड स्पीशीज है ना, तो पहला नेम जो है वो जीनस नेम या जेनेरिक नेम होता है, सेकेंड नेम जो होता है वो स्पीशीज या स्पेसिफिक नेम होता है, करेक्ट है. सो दैट इज प्रिटी ईजी टू अंडरस्टैंड, करेक्ट. ओके, नाउ लेट अस लुक एट द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर. सो ये जितने भी आपने दिस कोड, दिस ICNAFP कोड, राइट, द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, लिनेयस का सिस्टम है जिसको धीरे धीरे मॉडिफाई करके अभी हम ये टेक्निक फॉलो करते हैं, और ये नेमिंग सिस्टम के कुछ बहुत ही स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, करेक्ट है. व्हाट आर दोज रूल्स, राइट. सबसे पहला रूल, किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम होंगे जो मोस्टली लैटिन होते हैं या समटाइम्स ग्रीक वर्ड्स भी होते हैं, करेक्ट है. जो फर्स्ट नेम होता है
वो जीनस का नेम होता है जिसको कहते हैं जेनेरिक नेम। हाँ, जेनेरिक नेम जनरली एक नाउन होता है, करेक्ट है? सो इंग्लिश में आपने पढ़ा है ना, नाउन्स क्या होते हैं? दे आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। सो जेनेरिक नेम्स आर जनरली अ वेरी सिंपल नाउन, वो सबसे पहले लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देख रहे हैं आप, हेलियांथस एनिस ना, सो ये जो पहला है, दिस इज द जेनेरिक नेम। ये नाउन फॉर्म है, कौन से लैंग्वेज में है? हेलियांथस जो है, दैट इज लैटिन, करेक्ट है? एंड इट डिनोट्स व्हाट इज कॉल्ड द जीनस नेम। ऑल्सो ये फर्स्ट आना चाहिए, एन्यूएस आप फर्स्ट नहीं लिख सकते, आपको हेलियांथस फर्स्ट लिखना पड़ता है। और ये देखिए, हेलियांथस में एच कैपिटल है ना, तो ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, करेक्ट है? सो ऑलवेज द जीनस नेम विल कम फर्स्ट, इट विल हैव अ कैपिटल लेटर, करेक्ट है? एंड इट विल रिप्रेजेंट द जीनस, ऑल राइट? स्पेसिफिक नेम जो है वो सेकेंड आता है, इट इज वॉट वी कॉल अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जो सेकेंड आता है, एंड इट शुड बिगिन विद अ स्मॉल लेटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हियर सी दिस एन्यूएस, कैन यू सी इट्स बिगिनिंग विद अ स्मॉल लेटर, दिस इज बिगिनिंग विद अ लार्ज कैपिटल लेटर, करेक्ट है? सो इट्स वेरी सिंपल रूल टू रिमेम्बर, दो नाम होने चाहिए, या तो लैटिन या तो ग्रीक। पहला जो नाम है वो जेनेरिक या जीनस नेम, इट्स अ सिंपल नाउन, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है, हमेशा फर्स्ट आना चाहिए, करेक्ट है? स्पेसिफिक नेम जीनस नेम के बाद में एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है, बाद में आता है, और वो स्मॉल लेटर से बिगिन करता है, करेक्ट है? साइंटिफिक नेम्स अगर आप हाथ से लिखते हैं, सपोज आप एज अ स्टूडेंट आंसर पेपर में आपने हीलियांथस एनिस लिखा, तो हीलियांथस एन्यूएस जब भी आप लिखते हैं तो आप उसको ऐसे इटैलिक्स में नहीं लिख सकते ना, आप तो सीधा ही लिखेंगे, तो आपको क्या करना है फिर? हीलियांथस को अलग अंडरलाइन करना है, एन्यूएस को अलग से अंडरलाइन करना है, करेक्ट है? आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, दैट व्हेन यू विल, हाउ डू यू एक्चुअली सिट डाउन एंड लाइक यू नो अंडरलाइन समथिंग, यू एक्चुअली डू इट विथ टू डिफरेंट और टू सेपरेट लाइन्स, राइट? सो हीलियांथस विल बी अंडरलाइंड सेपरेटली लाइक दिस, एंड देन एन्यूएस विल बी अंडरलाइंड सेपरेटली लाइक दिस। सॉरी, माई हैंड इज शेकिंग, बट दैट इज द वे दैट यू डू इट, करेक्ट है? डज दिस मेक सेंस टू यू नाउ? सो इस तरीके से हम इसको अंडरलाइन अलग अलग करते हैं व्हेन यू राइट इट विद द हैंड, ठीक है? ओके, एंड वी कम टू द नेक्स्ट रूल ओवर हियर, ऑल राइट? सो जो नेक्स्ट रूल है, राइट, दैट इज साइंटिफिक नेम को सेपरेटली आप अंडरलाइन करेंगे, अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आप उसको इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। क्या है? अगर आप उसको टाइप करते हैं तो देन यू विल डू इट एज एन अंडरलाइनिंग सिस्टम, राइट, सेपरेटली, एंड इफ यू आर टाइपिंग इट देन यू विल डू इट इन इटैलिक्स। डज दिस मेक सेंस टू यू हियर नाउ? करेक्ट है? ओके, फाइन। नेक्स्ट थिंग, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम में उसका साइज भी इम्पॉर्टेंट है, तो नाम में एटलीस्ट तीन लेटर तो होने ही चाहिए, उससे स्मॉल आप नाम नहीं दे सकते। लेटर समझते हो ना, ए बी सी डी, सो यू कैन नॉट हैव अ नेम विच इज ओनली लाइक टू लेटर्स, करेक्ट? ऐसा नेम्स आप नहीं रख सकते, यू शुड हैव नॉट हैव लेस, तो मिनिमम आपको तीन लेटर चाहिए, मैक्सिमम 13 लेटर्स होने चाहिए, बहुत लंबा भी नाम नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नाम नहीं होना चाहिए, करेक्ट है? एंड फाइनली, जिस पर्सन ने इस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल को फर्स्ट टाइम नेम किया है ना, उसका नाम या तो फुल में या तो शॉर्ट में पूरे नाम के पीछे लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू राइट इट एज मैंगिफेरा इंडिका एल, जहां पे ये जो कैपिटल लेटर एल है, ये उस पर्सन का नाम है जिसने सबसे पहले इस झाड़ को डिस्क्राइब किया और उसको नाम दिया। इज इट मेकिंग सेंस हियर? करेक्ट है? सो इट्स वेरी सिंपल रूल्स ओवर हियर, करेक्ट? दो नाम है, लैटिन या ग्रीक, पहला जेनेरिक आता है जो नाउन है, और उसका कैपिटल लेटर से शुरुआत होना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। स्पेसिफिक नेम एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, छोटा लेटर से सेकेंड आता है। साइंटिफिक नेम अगर आप हैंड राइटिंग करते हैं तो आपको दो अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ता है नामों को, अगर आप प्रिंटिंग करते हैं तो वो इटैलिक्स में आप प्रिंट कर सकते हैं। ओके, नाम का जो साइज है वो मिनिमम 3 लेटर्स, मैक्सिमम 13 लेटर, और कभी कभी जो पर्सन डिस्क्राइब करता है उसका नाम मेन नेम के पीछे शॉर्ट फॉर्म या पूरा फॉर्म भी कभी कभी लिखा जाता है, करेक्ट है? सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स जो आपको याद रखने हैं। आई होप दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? अब
यहाँ पे आपका इधर का भी सिस्टम खत्म होता है कि आपने टेक्सोनोमी का प्रोसेस देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, है ना, आपने नोमेनक्लेचर भी देख लिया, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू कम टू द एक्चुअल फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। और ये फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में जिसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था वो थे मिस्टर आर एच विटेकर, करेक्ट है। ये फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है, आई नीड यू टू बी वेरी फोकस्ड व्हेन यू आर स्टडिंग दिस, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स हैं, आपको उसको थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा। एंड एज आई कीप सेइंग इन ऑल माई सेशंस, व्हेन यू आर राइटिंग द पेपर फॉर अ बोर्ड और फॉर अ कॉलेज एग्जाम, तो यू हैव टू यूज साइंटिफिक लैंग्वेज, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको रटना है, ऐसा नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप कवर कर लेते हैं, यू पे अटेंशन टू दैट, ऑब्वियसली आपका स्कोर जो है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होकर आएगा, राइट। सो लेट्स जस्ट लुक एट वॉट मिस्टर विटेकर हैड सेड। तो लिनेस ने जब क्लासिफिकेशन शुरू किया था, तब उन्होंने क्या किया, उनका आर्टिफिशियल सिस्टम था ना क्लासिफिकेशन का, याद है अगर आपको हमने किया था, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिजम्स उनको दिखे, है ना, उन्होंने वो सारे ऑर्गेनिजम्स को दो बड़े किंगडम्स में बांट दिया। एक हो गया प्लांटे, है ना, और एक हो गया एनिमेलियो। सो अकॉर्डिंग टू लिनेस, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में वो या तो प्लांट्स थे या तो एनिमल्स थे। अभी ऑब्वियसली आज अगर आप ये चीज सुनेंगे तो आप हंस पड़ेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, फंगस भी तो है, बैक्टीरिया भी तो है, अभी तो वायरसेस भी हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिनके बारे में हमको अभी इंफॉर्मेशन है। बट वो टाइम पे उन्होंने जितना ऑब्जर्व किया उन्होंने अपने बुक में लिखा, एंड लेटर ऑन पीपल रियलाइज कि ये जो बहुत बड़ा बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन था ये इनफ नहीं था, है ना। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को नहीं क्लासिफाई कर पाया जिसमें दोनों किंगडम्स के प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गए या फंजाई हो गए, युगलेना हो गए, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज एनिमल्स के जैसे है, कुछ प्रॉपर्टीज प्लांट्स के जैसे है, तो अभी इनको हम क्या करेंगे, है ना। तो इनिशियल टाइम पे पीपल ने बहुत स्टडी किया एंड अल्टीमेटली 1969 में आर एच विटेकर ने अभी का जो सिस्टम है वो प्रपोज किया। सो ही प्रपोज दिस वेरी रेवोल्यूशनरी सिस्टम कॉल्ड द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम जो है वो एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बीच में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी दिखाता है, इट शोज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यस और नो। हमने बहुत बार ये टर्म अगेन एंड अगेन वी हैव सीन एंड नाउ वी नो दैट व्हाट दिस रिलेशनशिप मीन्स एंड व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी एबल टू क्लासिफाई थिंग्स, करेक्ट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ द लॉजिक दैट ही यूटिलाइज्ड, उन्होंने पांच किंगडम्स प्रपोज किए। इसका मतलब सीधे सीधे लैंग्वेज में ये होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेल स्ट्रक्चर दिखाते हैं दुनिया में, अगर आप वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे तो आप उनको इजीली पांच अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, करेक्ट है। ये पांच किंगडम कौन से हैं, ये पांच किंगडम्स हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंगाई एंड किंगडम एनिमेलिया, करेक्ट है। क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई, एनिमेलिया, और ये किसने प्रपोज किया, मिस्टर आर एच विटेकर ने, करेक्ट है। हम पहले भी देख चुके हैं दैट वी हैड टू मेजर साइंटिस्ट कार्ल वूज एंड आर एच विटेकर, टुगेदर द थ्री डोमेन एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज प्रपोज बाय बोथ ऑफ दीज साइंटिस्ट। एंड आज हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ दिस सेशन, ओके, इज द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ दीज किंगडम्स, करेक्ट है। सो आई एम गोना स्टॉप दिस सेशन नाउ, नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी, करेक्ट है। एज आई कीप टेलिंग यू, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर लाइकिंग माई वीडियोज एंड शेयरिंग दम एंड सब्सक्राइबिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू प्रेस द बेल आइकन, तो मैं जो भी नए वीडियोज डाल रही हूँ वो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू कीप अप विद ऑल ऑफ माई लेक्चर्स, करेक्ट है। अगर आपको चाहिए कि मैं कोई स्पेसिफिक कंटेंट करूँ तो प्लीज आप नीचे जस्ट पुट अ कमेंट ओवर देयर नियर द वीडियो, या तो मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, करेक्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड पीपल प्लीज कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप दीज वीडियोज यू आर एंजॉइंग देम। Thank you very much.